कक्कू की किचन में आज हम बनाएंगे मूंग दाल रसबड़ा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे नेक्स्ट अपडेट्स आपको मिल सके। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक बर्तन चढ़ा दिया है। अब इसमें हम 1.5 कप चीनी डालेंगे। 1.5 कप चीनी ली है तो हमें 1.5 कप ही पानी लेना है। चीनी को हम इस तरह से मिला देंगे। चीनी जब तक मेल्ट हो रही है, 8-10 केसर के धागे लेंगे और उसे थोड़े से पानी में भिगो देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने पानी में भिगो दिया है। चीनी सारी मेल्ट हो गई है। अब इसमें मैंने ये 4-5 इलायची लिए, इनको तोड़ दिया है, ये डाल देंगे और ये केसर के धागे भी डाल देंगे। अब हमें इसमें कोई तार नहीं बनाना है। अभी थोड़ा और बॉईल करेंगे इसे। एक बार हम इसको थोड़ा ठंडा करके चेक कर लेंगे। चाशनी हमारी तैयार हो गई है, इसमें चिपचिपापन आ गया है। इसी तरह की चाशनी हमें चाहिए थी। गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ढक देंगे। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। मूंग दाल रसभरी बनाने के लिए मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी। इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये फूल के एकदम डबल हो गई है। अब हम इसे मिक्सी के जार में शिफ्ट कर देंगे, इसे ग्राइंड करेंगे। इसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मैं ये 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ। देखिए, आप एकदम बारीक पीस लिया है। अभी मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, इसको तोड़ के मैं इसमें डाल दूंगी। 1 चम्मच पानी और ऐड करेंगे हम। पनीर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए, बैटर मैंने इसमें निकाल लिया है। अब इसको हम थोड़ा फेंट लेंगे। जब तक हमारा घी भी गर्म हो रहा है, मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई में घी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। सिर्फ 2 चम्मच पानी डाला था मैंने, उसी में इसको मैंने पीस लिया था। ना हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए ना पतला, एकदम इसकी ये कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अगर आपका गाढ़ा हो जाता है तो आप 1-2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं, और यदि ज़्यादा पतला हो गया तो आप इसमें थोड़ा बेसन मिला लें तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। घी हमारा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा गर्म हमें करना नहीं है। मैंने ये 1 चम्मच ली है, इससे ही मैं बड़े डाल रही हूँ। आप हाथ से भी डाल सकते हैं। बड़े ऊपर आने लगे हैं, इन्हें हम इस तरह से घुमा देंगे जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। अब हम इन्हें पलट देंगे। आप देख रहे होंगे इधर से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। घी तेज गरम हमने इसीलिए नहीं किया, नहीं तो ये ऊपर से तो काफ़ी अच्छे सिक जाते और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाते। टाइम हमें भले ही ज़्यादा लगेगा पर अंदर से इनकी अच्छी सिकाई हो जाएगी। चारों तरफ से अच्छे सिक गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा घी जो भी था वो निकाल दिया। अब हम इसे
डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। इसी तरह हम जो ये बचा हुआ बैटर है सबके ऐसे बड़े बना लेंगे। सारे बड़े बना के फिर हम इन्हें भी चाशनी में डाल देंगे। आपने रसगुल्ले गुलाब जामुन बनाए होंगे, एक बार आप मूंग की दाल के ये बड़े भी बना के देखिए कितने टेस्टी लगेंगे। गैस ऑफ कर देंगे। अब हम इन्हें आधा घंटे के लिए भीगने देंगे। आधा घंटा हो गया है, तैयार है हमारे रस बड़े। अब हम इन्हें सर्व करेंगे। अब हम इसे पिस्ता से गार्निश कर देंगे।